और अभी इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के जामिया में। तो आज का ये जो व्लॉग होने वाला है गाइज, ये सरोजनी नगर का व्लॉग होने वाला है, क्योंकि अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ वहाँ मेट्रो पकड़ के सरोजनी, और वहाँ पे ढेर सारी शॉपिंग करूँगी। कुछ कुछ चीज़ें मुझे लेने हैं और कुछ मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा है, तो उनके लिए भी कुछ लेना है। तो चलिए व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं, और मैं आपको इसका ना हॉल वीडियो अलग से दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या परचेज करा है। सरोजनी मार्केट चलते हैं और हम देखते हैं कि हम क्या क्या खरीदते हैं। हाय गाइज, एक और चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करना था, दैट एज अ फेस्टिव सीजन अप्रोचेस, इट बिकम बिग प्रायोरिटी एंड हैसल टू गेट दैट ग्लोइंग ब्राइट स्किन। मेरे बिजी शेड्यूल और सन के हार्श एक्सपोजर की वजह से मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा डल और ड्राई दिखने लगी थी गाइज। देन आई फाउंड द बेस्ट सोल्यूशन, द डर्माको 10% विटामिन सी फेस सीरम। मैंने इससे भी पहले बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं गाइज, लेकिन इसने तो मेरी लाइफ चेंज कर दी गाइज। जैसा कि हम जानते हैं, विटामिन सी इज बेस्ट टू अवॉइड डल स्किन, एंड दिस सीरम इज पैक विद विटामिन सी विद 5% नियासिनमाइड, जो हमारे डलनेस और स्पॉट को जड़ से खत्म करता है। इसका एप्लीकेशन काफी इजी है, कुछ ड्रॉप अपने हाथ पे लेके लगाओ और डायरेक्टली फेस पे अप्लाई करके अच्छे से अब्सॉर्ब होने तक लगाना है। एंड वेट, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द पोटेंशियल ऑफ द प्रोडक्ट, तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूं। मैंने यहाँ पे हाफ कैप ऑफ बेटाडीन सॉल्यूशन लिया है, और इसे मैं 3/4 ग्लास ऑफ वाटर में पोर करूंगी। जैसा कि आप देख सकते हो, इसका कलर अब डार्क हो गया। इसमें मैं अब 10% विटामिन सी के ड्रॉप्स मिलाऊंगी, एंड विद इन 2 to 3 सेकंड पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। ये विटामिन सी कितना इफेक्टिव है आपने लाइव देखा, अगर ये इफेक्टिव नहीं होता तो इसका कलर चेंज भी नहीं होता। नाउ अनदर प्रोडक्ट दैट आई यूज टू कीप माई स्किन सॉफ्ट इज डर्माको ऑयल फ्री डेली फेस मॉइस्चराइजर। विंटर्स का तो पता ही है, मार्केट में ढेर सारे मॉइस्चराइजर मिलते हैं, लेकिन वो सारे चिपचिपे होते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई यूज दिस ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर फॉर नॉन ग्रीसी एंड हाइड्रेटेड स्किन। इट हैज हाइलुरोनिक एसिड, सिरामाइड्स एंड मल्टीविटामिन, जो कि हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनाता है बिना ऑयली किए। लुक एट द ग्लो गाइस, तो यही था मेरा बेस्ट स्किन केयर। तो अगर आपको डर्माको के ये प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, सो देयर इज मोर टू लव अबाउट द डर्माको। नॉट only when you purchase and enhance your skincare routine, but it will also contribute toward noble cause. The Dermaco has empowered 10,000 plus students this year through their Young Scientist Initiative. जो भी product आप उनसे खरीदेंगे, they will link your order to a child that they help to educate with Bhumi. Dermaco के सारे products fragrance free होते हैं guys, और अगर आपकी skin sensitive भी है ना, तो आपकी skin के लिए बहुत ही ज्यादा delightful experience होने वाला है इनके product use करने के बाद। ये सारे products तो आप Dermaco के official website पर जाकर खरीद ही सकते हैं, साथ ही साथ ये आपको Amazon, Flipkart और Nykaa पर भी अवेलेबल मिलेंगे। प्रोडक्ट का परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी डेफिनेटली, और अगर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मेरा कूपन कोड यूज करते हो MISS2023, तो आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए स्किन केयर तो हो गया, अब व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं गाइज। ये जो जामिया यूनिवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं अपने एक फ्रेंड के थ्रू आई थी यहाँ पे, और क्या यूनिवर्सिटी है गाइज, इसका एक एक कोना कोना बहुत खूबसूरत है। तो चलो, अभी शाम होने वाली है, तो मैं जल्दी से जाती हूँ, आगे मेन गेट है, जल्दी से जा करके शॉपिंग करते हैं, वरना फिर रात में ना जल्दी बंद हो जाता है सरोजनी, क्योंकि ठंडी है जिस वजह से। ये इतना बड़ा कैंपस है गाइज, मैंने यहाँ सड़क देखा तो मुझे लगा कि कैंपस ख़त्म हो गया है, लेकिन नहीं, इस साइड भी कैंपस है, और ये सड़क के उस साइड भी कैंपस है, मतलब इतना बड़ा कैंपस है। मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ घूम घूम के भाई, जो बच्चे यहाँ पढ़ते होंगे ना, सीरियसली। और ये स्टेडियम रहा, अंदर नहीं जा सकती, लेकिन ये स्टेडियम है, काफ़ी बड़ा स्टेडियम है भाई। ये मैं क्या देख रही हूँ, ये नींबू का पेड़ लगा है, और सबसे मज़े की बात कि हमें अलाउड है कि हम इसे तोड़ सकते हैं, मान गए। फाइनली मुझे कोई मेन गेट टाइप कुछ मिला। अब मैं ये भी कंफर्म नहीं होगी ये मेन गेट है कि नहीं है, बट देख लो, पिछले 2.5-3 घंटों से मैं चलते चलते परेशान हो गई हूँ कैंपस, वो देखो मेट्रो। तो फाइनली गाइज, मैं सरोजनी आ गई थी, और शाम के कुछ 4-5 बज रहे थे। दिल्ली में जल्दी शाम नहीं होती तो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन अभी हाँ 4-5 बज रहे हैं। वैसे तो मैं इससे पहले भी 2 बार विजिट कर चुकी हूँ सरोजनी, लेकिन आज फर्स्ट टाइम व्लॉग बना रही हूँ। तो गाइज, यही है वो सरोजनी नगर मार्केट जो आप वीडियोज में देखते हो। वेलकम टू सरोजनी मार्केट साउथ विंग। तो अब हम अंदर जाएंगे, और अंदर जाते ही मैंने सबसे पहले सर्च करना स्टार्ट कर दिया जो चीज मुझे चाहिए था। बाय द वे, मुझे ऑफिस जैसा कोई ब्लेजर टाइप चाहिए था, पहले मुझे एक ब्राउन कलर का बहुत
बहुत पसंद आया था। उसके बाद मैंने पिंक वाला भी देखा था उठाकर, फिर ये बेज वाला ट्राई किया था और इनके प्राइस सुन के मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं सरोजनी आई हूँ। भैया इसके 800-900 रुपए बोल रहे थे एक ब्लेजर के। क्वालिटी बहुत प्रीमियम थी नो डाउट, लेकिन भैया बहुत एक्सपेंसिव बता रहे थे। और भी मैंने बहुत सारा ट्राई किया था। फिर मैं फुटवेयर के शॉप पे आ गई। यहाँ भैया ने ढेर सारी अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज के जूती और स्लीपर दिखाया, लेकिन मैं कुछ बूट टाइप सर्च कर रही थी तो मैं चली गई दूसरे शॉप पे। और हाँ गाइज, मैं जो भी परचेज करूंगी ना, मैं उसको हॉल वीडियो आपको अलग से बना के दे दूंगी, तो उसमें आप देख लेना। बाय द वे, ये जो दो जूतियां मैं देख रही हूँ ना, मुझे काफी पसंद आया था, लेकिन अगेन थोड़ा फिनिशिंग इशू था तो मैंने फिर सोचा कि रहने दो यार। और फिर मैं आ गई एक्सेसरीज के शॉप पे। यहाँ पे वेराइटीज भी बहुत ज्यादा थी, मतलब ये झुमके और इयररिंग्स देख के ना मेरे सरोजनी में ना सर घूम गए थे, इतने ज्यादा थे। मैं जो सोच कर आई थी मुझे लेना है वो तो लिया नहीं, लेकिन कंफ्यूजन इतना ज्यादा हो गया कि क्या ही बताओ। आप घर से ही सोच के आओ कि आपको क्या चाहिए, और जो एक नजर में आपको पसंद आ जाए ना गाइस, उसे तुरंत परचेज कर लो। ज्यादा सोचोगे तो फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर मैं बूट देखते देखते यहाँ पे फिर से आ गई, लेकिन इनके पास भी ज्यादातर जो वेजेस थे और स्लीपर जूती यही सब थे, बूट तो बहुत कम ही था इनके पास। बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद मुझे एक दो शॉप में बूट्स पसंद भी आए थे, लेकिन अगेन उसका साइज छोटा पड़ रहा था मेरे पैर के अकॉर्डिंग। फिर मैं चली गई विंटर कैप की दुकान पे। गाइज, अगर अभी आप जाओगे ना दिसंबर जनवरी फरवरी, तो इस टाइम में आपको सिर्फ ठंडी के कपड़े मिलेंगे, मतलब स्वेटर 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 सिर्फ स्वेटर। मेरी फ्रेंड मुझसे कह रही थी साल में 3 महीने ठंडी होती है और तू सिर्फ स्वेटर ही खरीद रही है। मैं भी सोच में पड़ गई गाइज, बात तो सही कह रही थी। इसके बाद मैं यहाँ आई, यहाँ पे ना छोटे छोटे इयररिंग्स मिल रहे थे, जैसे टॉप्स वाले इयररिंग्स होते हैं ना आप डेली यूज में, जैसा पहन सकते हो छोटे मोटे फंक्शन में भी। सरोजनी में मैंने सबसे ज्यादा अगर कुछ विजिट किया है ना, तो वो एक्सेसरीज वाला मतलब ज्वेलरी वाला ही शॉप विजिट करा है, क्योंकि इतने ज्यादा थे कि क्या ही बताऊं। और अगर कपड़े की बात करो तो 100-150 में ऐसे स्वेटर वाले टॉप मिल जाएंगे, कुछ पार्टी वेयर, और यहाँ पे जैकेट और कार्गो पैंट्स ठंडी वाले ऐसे लोअर आपको मिल जाएंगे। 3 घंटे की शॉपिंग की और अब शाम हो गई है, सारे शॉप बंद हो रहे थे धीरे धीरे, तो जो भी मैंने परचेज किया आपको हॉल वीडियो में मैं दिखाऊंगी। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।